अमेरिका जैसे मुल्क में जहां कोरोना आया है और उन्होंने खरबों डॉलर लोगों में बांट दिए, उन्होंने किसी बंदे को माली परेशानी नहीं आने दी, उन्होंने कहा जी और बाकी तुहाडे नाल जो होना है होना है, पर पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन अमरीका में नॉर्मली लोग खुश नहीं है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लोग ज्यादा खुश हैं अमरीका के निस्बत। अफ्रीका के ममालक में लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी अफ्रीका के ममालक में पाई जाती है। क्या आपकी कोई वजह बता सकते हैं इसकी? जो ही ज्यादा सहूलतें आना शुरू होती हैं ना, तो बंदे का ध्यान कहते अच्छा हालांकि कमी है, ऐसे हो ही कुछ नहीं, ना शुक्रापन। और ये जो नाशुकरापन है, इसकी कमी से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमें अपने इमोशनल इनटेक पे तवज्जो देने की जरूरत है। इमोशनल इनटेक, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, मरी के इर्द गिर्द जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, रात को बत्तियां जलती हैं पहाड़ों पे, वो घरों की बत्तियां हैं और वो उनके पास कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई ऐसे मसले हल नहीं है कि घर के दरवाजे के बाद उनके गाड़ी खड़ी है, उनकी औरतें जाके लकड़ियां काट के लाती हैं, पानी लेके आती हैं पता नहीं दूर पार से कहीं से, फिर जाके उनका कोई गुजारा चलता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे हमारा फूड इनटेक होता है, और आप सब थोड़ा बहुत इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम क्या खाएं, फूड इनटेक, आप सब अपनी सोच के मुताबिक कोई हाइजीनिक फूड लेना चाहते हैं, गंदा खाना नहीं खाना चाहते, जंक फूड नहीं खाना चाहते, या जो भी आपकी चॉइसेस हैं, क्या आप जानते हैं कि एक इमोशनल इनटेक भी होता है? इमोशनल इनटेक, मिसाल के तौर पर क्या आप सोच सकते हैं कि कल या परसों या अगले हफ्ते आपका इमोशनल इनटेक कैसा होना चाहिए? इमोशनल इनटेक से मुराद है कि गुस्से का लेन देन, खुशी का लेन देन, रंज की कैफियत में फंसे रहना या छोड़ देना, शुक्राना महसूस करना, ग्रेटिट्यूड, या कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, कहीं से कहके लगाने का बंदोबस्त करना। आपको पता है किसी जमाने में बादशाह लोग होते थे तो वो अपने दरबार में लोगों को रखते थे कि जरा मैं हंसाना है तुसी सवेरे 9 बजे। मैं आपको बता रहा हूं कि इमोशनल इनटेक बादशाह रखते थे अपने साथ। अभी भी जो लोग बादशाह जैसे लोग होते हैं वो अपने साथ कोई ना कोई बंदे जरूर रखते थे। कभी आपने देखा कि कोई सियासतदान हो और उसके दाएं बाएं कोई बंदा ना हो? वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अक्सर टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसमें एक वो बड़ी खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर हैं, फिरदौस आशिक खान, वो उसके दाएं बाएं जो लोग खड़े होते हैं, अकेले नहीं, इधर दो खवातीन, इधर को बंदा, उधर खातून, ते फिर वो गल कर देते। जिस तरह कोई भी हो, फवाद चौधरी हो, तो कल्ला नहीं करेगा गल बंदा। तो कोई हमेशा कोई ऐसे साथ इंसान को चाहिए, इमोशनली सपोर्ट चाहिए। इमोशनल इनटेक की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें कई दफा आपको दूसरे लोगों के साथ की जरूरत होती है, कई दफा आप अकेले ही काफी होते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज, मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद मदद हासिल कीजिए, मदद मदद हासिल कीजिए, मदद मदद हासिल कीजिए।